नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैलेनी झा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दशा बद से बदतर होती जा रही है। यहां उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीने की आजादी नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए बने कानून सिर्फ कानून कहने के लिए हैं, लेकिन इन पर ना तो बहुसंख्यक मुस्लिम जनता और ना ही यहाँ की अदालतें अमल करती हैं। अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाइयों पर इस्लाम अपनाने के लिए जबरदस्ती की जाती है, उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया जाता है, इन मजहब के लोगों की महिलाओं का अपहरण कर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, अल्पसंख्यकों की छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इन मामलों में अदालतों की भूमिका पक्षपात से भरी होती है। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आया है। सिंध प्रांत में 13 साल की बच्ची का अपहरण कर धर्म परिवर्तन करा दिया गया, फिर 44 साल के शख्स से शादी कर दी गई। इस मामले में पाकिस्तान की अदालत ने भी बच्ची को अपहरणकर्ताओं के साथ भेजने और मामले में कोई गिरफ्तारी ना करने का आदेश दे दिया। इस नाइंसाफी के बाद बच्ची और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां के बिलखने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल की आरजू रजा ईसाई धर्म की है। उसके पिता का कहना है कि कराची के घर से उसका अपहरण किया गया। 2 दिन बाद पुलिस ने संपर्क कर कहा कि 44 साल के एक शख्स से आरजू की शादी हो गई है। उस शख्स ने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। सर्टिफिकेट में आरजू की उम्र 18 साल दिखाई गई है, जबकि परिवार का कहना है कि वो महज 13 साल की है। रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान आरजू अपनी मां के पास भागकर पहुंचना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इस कार्रवाई के दौरान आरजू की मां रीता मसीह अपनी बच्ची से मिलने की गुहार लगाती रही। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा गया कि रीता अपने बच्चों की दुहाई देते हुए बेटी को देखने की मांग कर रही है और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए बदनाम सिंध में ये पहली घटना नहीं है। जून के अंतिम हफ्ते में आई रिपोर्ट के अनुसार सिंध प्रांत ने बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाए जाने का मामला सामने आया था। सिंध के बादिन में 102 हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। मानवाधिकार संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी एंड पीस के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करवा दिया जाता है। पीड़ितों में ज्यादातर की उम्र 12 साल से 25 साल के बीच में होती है। पाकिस्तान के इस हरकत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।